आलू में आएगी तेजी, क्या आलू में आएगी भयंकर तेजी। अभी इस समय हर किसान भाई के अंदर, जितने ही मेरे किसान भाई जुड़े हुए हैं और आलू वाले किसान, सबके मन में यही है सवाल कि क्या तेजी आएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है वैभव शर्मा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल एग्री बड़ी अध्यत, जो कि आलू के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी पूरी पूरी देता है। दोस्तों जो लोग दोस्तों नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है वो बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ आप सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। और दोस्तों शेयर जरूर किया करें वीडियो को, लाइक जरूर किया करें अगर अच्छा लगे तो, कमेंट तो किया ही करें जो भी आपके विचार हों वो। तो दोस्तों इस समय असमंजस की स्थिति है। मेरा नाम है वैभव शर्मा और चलो शुरुआत करते हैं। और दोस्तों ऊपर में आई बटन में मैंने यहाँ पर दे रखा है, मैंने ऊपर आप जाकर इसको क्लिक करके जो भी मेरा फेसबुक पर ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक के, पूरे भारत की समस्त मंडियों के भाव बताऊँगा आज मैं आपको, जो जो मेन मंडियाँ हैं भाव बताऊंगा। दोस्तों दिल्ली आज़ादपुर के, कानपुर के सब मंडियों के भाव बताऊंगा। कुछ ज़्यादा खास उतार चढ़ाव नहीं है, फिर भी मंडियाँ वही स्तर चल रही हैं, आगे पीछे थोड़ा सा हो रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ कि आप सभी लोग अपने सोच समझ के, अपने बुद्धि विवेक से आलू के बारे में अपना निर्णय लें। अगर आपको ज़रूरत है तो आलू बेचें, ज़रूरत नहीं है दोस्तों तो रिस्क ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये आलू है इसमें कुछ भी हो सकता है। पर फिर भी ये है कि आलू को अपने हर तरह का भाव लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे निकालते रहना चाहिए, जिससे रिस्क की क्षमता कम हो जाए। अगर तेज़ी, देखो दोस्तों मद्दा तेज़ी दो तरह की बातें हैं, अगर तेज़ी होती है तो फ़ायदा होता है और मद्दा होगा घोर तो आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए क्या है कि अपना बैलेंस बना के चलना चाहिए, आलू को धीरे धीरे निकालते रहना चाहिए और हर तरह का भाव लेना चाहिए। अगर आपके पास 10,000 कट्टे हैं तो उसमें से ये है कि हर बार 500-700 कट्टे धीरे धीरे करके, जैसे आप पार्ट में अपना अपना हर तरह का भाव लेना चाहिए जब भी भाव में उतार चढ़ाव आए। और दोस्तों मिसगाइड होने से बचें, बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं यूट्यूब पे जो पूरी सोशल मीडिया को बदनाम कर रहे हैं, और सोशल मीडिया को दोस्तों बदनाम इसलिए कर रहे हैं वो, क्योंकि अगर मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो उसमें मैं भी भागीदार हो जाता हूँ, क्योंकि हर आदमी यूँ कहता है, अरे यूट्यूब पर तो गाली गलौज होती है, फालतू की बातें होती हैं। दोस्तों मैंने आज तक अपने वीडियो में कभी कोई अपशब्द किसी से नहीं कहा है, पर कुछ लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं सोशल मीडिया को, कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि इस पर हम कुछ भी कहते रहेंगे और हमारे खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो दोस्तों ये सब उनकी सोच गलत है। YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये पता भी नहीं चलता है और चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों एक गाली गलौज करने के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, वहाँ जाके लोग कर सकते हैं, पर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जहाँ से किसानों को जानकारी मिल रही है उन वहाँ पर जाके गाली गलौज ना करें। अभी दोस्तों मैं किसी को गाली दूँ यहाँ पर अपने चैनल पर बैठ के तो उससे उसका क्या बिगड़ रहा है, पर उससे मेरी जो मेंटलिटी है और मेरा जो व्यवहार है उस पर लोग सवाल उठाएंगे कि ये आदमी है कैसा। और दोस्तों आजकल एक तो ऐसी चीज़, मैंने तो आज तक शराब को पी के देखा नहीं है, पर शराब ऐसी चीज़ है कि वो कुछ भी बुलवा देती है इंसान से। आप चलो बहरहाल शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने। सबसे पहले हम बताएंगे दोस्तों वेस्ट बंगाल के भाव, जितने जो मंडियों में जहाँ स्थिर चल रहा है उनके भाव नहीं बताऊँगा, फिर भी ज़्यादातर मंडियों के आप सभी लोगों को भाव बता दूंगा दोस्तों। और दोस्तों वेस्ट बंगाल के भाव अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कुमरूल की मंडी में आलू 570 से लेके 520 रुपये बिक रहा है 50 किलो, कालना की मंडी में 480 से लेके 500 रुपये तक बिक रहा है 50 किलो, बोइंची की मंडी में दोस्तों 490 से लेके 500 रुपये तक बिक रहा है 50 किलो की तौल, और मैमारी की मंडी में 480 रुपये से लेके बिक रहा है 500 रुपये तक 50 किलो की तौल। अब हम चलते हैं दोस्तों मेट्रोपालम की तरफ। तो मेट्रोपालम की अगर हम बात करेंगे तो ऊटी का आलू वहाँ पे 900 रुपये से लेके 1650 रुपये तक बिक रहा है 45 किलो की तौल। हसन का आलू 700 से 900 रुपये तक बिक रहा है, जो कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है 45 किलो की तौल। गुजरात का आलू 570 से 750 रुपये तक बिक रहा है 45 किलो की तौल। अब हम दोस्तों चलते हैं नागपुर महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र में आलू 10 रुपये किलो से लेके नागपुर में 13 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। बढ़िया आलू 13 रुपये किलो तक, हल्के आलू 10 रुपये किलो से शुरुआत हो जाती है। हर मंडी में दोस्तों भाव दो तरह का होता है, एक्स्ट्रा सुपर आलू का और हल्के आलू का, ठीक है ना, क्योंकि हल्के आलू हल्की रेट बिकते हैं और जो एक्स्ट्रा सुपर VVIP आलू हैं बहुत अच्छी रेट बिक जाते हैं। मैसूर की अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो मैसूर में आगरा का आलू 14.5 रुपये किलो से लेकर 15.5 रुपये किलो तक बिक रहा है। गुजरात का आलू 10 रुपये से लेकर 12.5 रुपये किलो तक बिक रहा है, और हसन का आलू 12 से 14 रुपये तक किलो तक बिक रहा है। अब दोस्तों कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे आप भाव गलत बता रहे हो। भाई साहब आप एक मंडी में 50-40 आड़त होती हैं, और हर जरूरी नहीं है कि एक ही आड़त वाला हर आड़त वाला एक ही भाव आलू बेचे। कुछ लोग बढ़िया भी बैठे हुए हैं जो लोग किसान का आलू अच्छी रेट में बिकवा देते हैं। अब दोस्तों आगे चल के मुझे लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा कि किसानों को खुद मंडी आलू ले जाना पड़ा करेगा, क्योंकि कोल्ड स्टोर वाले बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। इस समय व्यापारी पैसा देते नहीं है, लाखों करोड़ों रुपये व्यापारियों पर फंसा रहता है। तो इसलिए अब शायद ऐसा आगे के भविष्य में ऐसा हो कि किसानों को सीधे सीधे जिम्मेदारी हो आलू की, कि आप अपना आलू लाद के ले जाओ मंडी में जाकर बेचो, उससे कोल्ड वालों को कोई लेना देना नहीं होगा, वो सिर्फ अपना भाड़ा लेंगे किसानों में से।
बाकी उनको कहीं आप आलू बेचो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं चेन्नई की, तो चेन्नई में अभी यूपी का आलू 15 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो तक बिक रहा है और एक्स्ट्रा सुपर यूपी का 16 से 18 रुपये किलो तक भी बिका है एक आलू। तो दोस्तों भाव अच्छे चल रहे हैं इस समय मंडियों में, जो रोड कोल्ड स्टोर पर आलू बिक रहा है उसी रेट के पैसे मंडियों में से आ रहे हैं लगभग ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। बाकी ये है कि रिस्क कोई भी व्यापारी इस समय लेना नहीं चाह रहा है और ना कोई किसान भी अब बहुत सोच समझ के अपना आलू को बिक्री कर रहे हैं जा उन्हें, क्योंकि लग रहा है कि डेली बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, 100 रुपये बढ़ जाते हैं, 100 रुपये एक संग गिर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पर मैं जो आपको बताऊंगा एक्चुअलिटी बताऊंगा दोस्तों, धीरे धीरे करके अपना आलू हर रेट में बेचें क्योंकि आपको मालूम है इस साल आलू ज़्यादा है। मुंबई की अगर बात करें दोस्तों तो मुंबई में आलू 10 से 13 रुपये किलो तक बिक रहा है और नासिक की अगर हम बात करें तो आलू 12 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो तक बिक रहा है और हल्का क्वालिटी का 9 से 12 रुपये किलो तक बिक रहा है। अब दोस्तों हम चलते हैं बेंगलोर की तरफ, तो बेंगलोर की मंडी की बात करें तो एक्स्ट्रा सुपर आज आलू बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं, एक्स्ट्रा सुपर आलू 750 से 800 रुपये तक बिका है एक लॉट और एवरेज क्वालिटी का जो ज़्यादातर आलू बिके हैं वो 650 से लेकर 750 रुपये तक बिके हैं 50 किलो और इंदौर का आलू दोस्तों 500 से 650 रुपये तक बिक रहा है और हसन का 550 से 750 रुपये जो कि बहुत कम आ रहे हैं अभी। ठीक है दोस्तों, और मैं बताऊँ आप लोगों को जयपुर की, तो जयपुर में भी भाव वही चल रहे हैं, हल्का आलू 9 रुपये किलो, वो 6 से लेकर 9 रुपये किलो तक बिक रहा है और बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर आलू 9 से 10 रुपये किलो तक बिक रहा है जयपुर की मंडी में। अब हम दोस्तों बात करते हैं कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी का बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है हमारे यूपी के लोगों को। कानपुर की अगर हम बात करते हैं, बड़ी मंडी है दोस्तों चकरपुर, कानपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे गुजरात का भी आलू एक दो लॉट आया था, वो 320 से लेकर 350 रुपये तक बिके हैं दोस्तों 40 किलो की तौल, क्योंकि कानपुर में 40 किलो का मन होता है। लॉकर की बात करें दोस्तों तो 300 से 400 रुपये तक बिक रहा है 40 किलो। सिंदूरी की बात करें तो 400 से 450 रुपये तक बिक रहा है 50 किलो की, तो 40 किलो की तौल सॉरी। हॉलैंड की अगर दोस्तों हम बात करें तो 400 रुपये से लेकर 460 रुपये तक बिक रहे हैं हॉलैंड आलू 40 किलो की तौल। हाइब्रिड दोस्तों मोटे की बात करें, मोटा आलू हाइब्रिड, वो 250 से लेकर 300 रुपये किलो तक बिक रहा है, 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक 40 किलो की तौल बिक रहा है दोस्तों। और हाइब्रिड सुपर मोटा एक्स्ट्रा सुपर BBIP वो 300 से लेकर 330 रुपये तक बिक रहे हैं कानपुर मंडी में। और 3797 मोटा सुपर बढ़िया आलू 320 रुपये से लेकर 370 रुपये तक बिक रहा है, एक लॉट 375 रुपये तक भी बिके हैं। और एवरेज गुल्ला दोस्तों 250 से लेकर 310 रुपये तक बिक रहा है 40 किलो और एक्स्ट्रा सुपर गुल्ला 310 से लेकर 340 रुपये तक बिक रहे हैं 40 किलो की तौल। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले ज़रूरी किसानों के लिए, लास्ट में एक बात जरूर करेंगे दोस्तों, इसको आलू कहते हैं, आलू की कुछ पता चलती नहीं है। देखो भाव किसी के हाथ में नहीं है और अभी मैं व्यापारियों को कोल्ड स्टोर वाला को गाली देता रहूँ यहाँ बैठ के तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इससे बढ़िया तो किसान अपना आलू तरीके से बेचे और अपने हिसाब से बेचे, अगर पैसे की ज़रूरत है तो आलू बेचें और रिस्क लेने की जिसमें क्षमता है वो रिस्क पूरी तरह ले सकते हैं। मैं किसी से फोर्सफुली नहीं कहूँगा कि आप अपना आलू बेचो, हर आदमी अपना बुद्धि विवेक लगा सकता है, अपने बुद्धि विवेक से काम करे। हमारा काम आपको करंट की अपडेट देने का है, तेज़ी होगी तो तेज़ी बताएंगे, सस्ता होने वाला होगा तो सस्ता बताएंगे, हमारा काम दोस्तों इतना सा है। बाकी आप सभी लोगों को नई नई चीज़ों के बारे में अपडेट करेंगे, अब आलू की बुवाई का टाइम आएगा तो उसमें बताएंगे कि कौन सी दवा से आप आलू को छिड़काव कर धुलवाएँ जिससे आपका आलू बढ़िया निकले और क्या क्या आलू में आप इस्तेमाल करें जिससे आप सभी किसान भाइयों को अच्छा पैसा, क्वालिटी अच्छी निकले और पैसा भी अच्छा मिले। तो धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।